Hello students, welcome to Adda247 online school. Yes, ये वही स्कूल है जहाँ पे आपके जितना भी NCERT का सिलेबस है इन ऑल योर सब्जेक्ट्स, क्लास टेंथ के आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं NCERT के, वो सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स आपको एक्सप्लेन करे जा रहे हैं, NCERT के सॉल्यूशंस भी हैं, हर क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे. सो अगर आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, यू जस्ट हैव टू सर्च ऑन यूट्यूब ऑन योर फर्स्ट यू हैव टू सब्सक्राइब ऑन Adda247 स्कूल और आपको क्वेश्चन और उसका आंसर साथ में दिख जाएगा. सो वेलकम टू दिस क्लास. और प्लीज़ आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम आपका कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई कर सकें. उसी टाइम पे हम आपकी प्रॉब्लम्स चैप्टर रिलेटेड जो भी हैं उसको ज़रूर से यहाँ पे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. सो आप देख सकते हैं पीछे जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, इट्स योर क्लास टेंथ, इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है और नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर है, जो फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है, यस, जो लिटरेचर की आपकी जो फर्स्ट बुक है उसमें उसका जो सेकेंड चैप्टर है वो मैंने आपको चैप्टर ऑलरेडी पूरा समझा दिया है. काफ़ी पार्ट्स में वो चैप्टर है, सब कुछ Adda247 स्कूल पे अवेलेबल है. आपको सिर्फ प्लेलिस्ट पे जाके उसके वीडियोस को देखने हैं, हर चीज़ वहाँ मेंशन है. सो यू जस्ट हैव, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा. आप 5 वीडियोस देखेंगे एंड योर चैप्टर विल बी क्लियर टू यू. मैम ने क्लास में समझाया, बहुत जल्दी हो गया, समझ में नहीं आया, यहाँ पे समझिए. और यहाँ पे ये ऑप्शन आपके पास हमेशा है कि आप जिस टाइम पे भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसी टाइम पे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैम मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा. वी विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू. हमें अच्छा लगेगा कि अगर आप कुछ भी अपने कमेंट्स यहाँ पे शेयर करेंगे. तो सो एज हमारा चैप्टर कम्प्लीट हुआ है और NCERT के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं. सो उन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं हमें वो फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे. सो एज यू नो हमारे 5 क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में है, जो 5 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन डिफरेंट मार्किंग बाइफोकेशन का होगा क्योंकि कोई क्वेश्चन लॉन्ग है, कोई क्वेश्चन शॉर्ट है. वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें हमें स्पेसिफिकली नहीं दिए गए हैं. इस चैप्टर में हमने काफ़ी ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन आंसर्स जो थे वो करे हैं. यस, करे हैं ना. और हर क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं जो पीछे की वीडियोज़ हैं उन सब में है. सो वो कहीं ना कहीं आपके इंटरनल क्वेश्चंस हैं और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अगर मैं NCERT के हिसाब से आपको समझाऊं तो. ऑलराइट, सो नाउ हम हमारी स्लाइड डिस्प्ले करेंगे. कंप्यूटर जी प्लीज़, जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है यहाँ पे, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका NCERT का वो यहाँ पे दिया गया है, जो कि लिखा है, व्हाई डिड सच लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आज एक ही क्वेश्चन में दो तरह के सवाल पूछे हैं. सो जहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है मतलब वो लॉन्ग आंसर है, आपको उसको पूरा डिस्क्राइब करना है. तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपके लिए आ सकता है. सो फर्स्ट पार्ट इज व्हाई डिड सच, इतने सारे लोग क्यों थे, उन्होंने क्यों अटेंड किया इनॉग्रेशन सेरेमनी को. व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ, वो क्या सिग्निफाई कर रहा था इतने सारे लोगों की प्रेजेंस जो थी नेल्सन मंडेला की ओथ टेकिंग सेरेमनी में, इतने लोग प्रेजेंट थे, वो क्या सिग्निफाई कर रहा था, उसका मतलब क्या था इतने लोगों की भीड़ का होना. वी हैव टू मेंशन स्पेसिफाई दैट आंसर. यस, अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द न्यू रिपब्लिक गवर्नमेंट. ऑब्वियसली जो एकदम फ्री गवर्नमेंट जो आई थी विथ लॉट ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे, लिबर्टी की बात हो रही है, सबको इक्वल स्टेटस है. सो सबको सब इक्वल हैं. सो इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए इतने सारे लीडर्स वहाँ पे नेल्सन मंडेला ने बुलाए थे और वो उनको सपोर्ट करने के लिए आए थे. द इनह्यूमन रिजीम ऑफ अपार्थीट जो कि पॉलिटिकल सिस्टम था अगेंस्ट द ब्लैक पीपल, ब्लैक लोगों के अगेंस्ट में एक पॉलिटिकल रूल था, एक सिस्टम था, उसको ख़त्म करने, वॉज हेटेड एंड रिजेक्टेड बाई एवरी वन इन द वर्ल्ड. उस सिस्टम को पूरी दुनिया में हेट करा गया, उसको रिजेक्ट करा गया कि वो गलत है, बिकॉज वी ऑल आर बॉर्न एज ह्यूमन बींग्स एंड वी ऑल आर बॉर्न एज इक्वल, सब लोग इक्वल हैं. After a long walk towards freedom, blacks won a glorious war against the system of apartheid. Obviously, उन्होंने एक वॉर जीता, काफ़ी सालों की लड़ाई थी क्योंकि चैप्टर का नाम ही है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. सो काफ़ी सालों की लड़ाई मेहनत के बाद ये जो था सिस्टम अपार्थीड का वो हटाया गया ऑफिशियली. जैसे इंडिया में हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने काफ़ी मेहनत से, काफ़ी साल लगे ब्रिटिशर्स को अपने देश से बाहर निकालने के लिए, वही साउथ अफ्रीका ने, वहाँ ब्लैक पीपल जो थे स्पेशली उन्होंने फेस किया था. द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन,
जो कलर स्किन कलर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वाइट एंड ब्लैक पीपल एंड जस्टिस फॉर पीस इक्वालिटी एंड लिबर्टी सबके लिए जस्टिस जस्टिस फॉर ईच वन therefore presence of so many international leaders signified the conferred glory and hope to newborn liberty ek glory thi aur kya tha ek hope thi ki newborn liberty sab kuch samne hai ek nayi liberty aayi hai newborn hai abhi tak kisi ko liberty itni nahi mili thi so ye cheez yahan pe is answer mein hame batayi hai itne logon ki presence kyu thi kis liye thi aur wo kya signify kar raha tha unka support to black people उनका रिजेक्शन टू अपार्थीड सिस्टम वो रिजेक्ट करते थे अपार्थीड सिस्टम को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने रिजेक्ट किया और किसकी बात की जस्टिस पीस इक्वालिटी और फ्रीडम की बात की यहाँ पे और एक न्यू बॉर्न लिबर्टी जो कि उनके देश में अब आ चुकी थी इस क्वेश्चन का आंसर पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर चाहे तो प्लीज़ आंसर लिख भी लीजिए नहीं तो वीडियो पे तो ये आंसर आपके अड्डा 247 स्कूल पे ज़रूर से अवेलेबल है नेक्स्ट वीडियो में हम आप इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग